हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 7 जून 2022 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल आर। किसका यूज किया जाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए? पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ऑल ऑफ द अबव, सभी का यूज किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 400% मॉड्यूलेशन पावर इन ईच साइड बैंड इज डैश ऑफ द कैरियर। कितना होगा प्रत्येक साइड बैंड में पावर? 25% होगा। कितना? 25% प्रत्येक साइड बैंड में। दो साइड बैंड होता है, प्रत्येक साइड बैंड में 25-25% होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू जनरेट एएम वेव। एएम वेव को, एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव को जनरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्क्वायर लॉ मॉडुलेटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओवर मॉडुलेशन, ओवर मॉडुलेशन से क्या होता है? काउजेस डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सैंपल इनटू डिस्क्रीट फॉर्म इज कॉल्ड। एनालॉग सैंपल को डिस्क्रीट में जो कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम पावर इफिशियंसी ऑफ ए एम मॉडुलेशन इज। एम मॉडुलेशन का मैक्सिमम पावर इफिशियंसी कितना होता है? वह 100% होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एच एस एस स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हॉप स्प्रेड स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 7 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट कॉमनली यूज मॉडुलेशन सिस्टम फॉर टेलीग्राफी इज। टेलीग्राफी के लिए किसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? तो FSK का यूज किया जाता है, FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का यूज किया जाता है टेलीग्राफी में सबसे ज़्यादा। ऑप्शन 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ FM ओवर AM? FM का क्या डिसएडवांटेज है AM के कंपेरिजन में? तो FM में क्या होता है? बैंडविड्थ लार्ज होता है, लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड, ये डिसएडवांटेज हो गया। 9 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर डीमोडुलेशन ऑफ PCM इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू। PCM को डीमोडुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है ये आपको बताना है। सबसे पहले पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। कौन सा जो है इसमें से मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देता है? तो PSK क्या है? सबसे लो जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देता है, एरर देता है, और सबसे हाई कौन देता है? हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग सबसे हाई देता है, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कौन देता है? फेज शिफ्ट कीइंग, सी हो जाएगा। 11 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द पावर सेविंग फॉर DSB SC वेव विथ 100% मॉडुलेशन। देखिए M इज कॉल टू 1 है तब बोल रहा है जो पावर सेविंग DSB SC डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में कितना पावर सेविंग होगा। तो डबल साइड बैंड है, सप्रेस्ड कैरियर, कैरियर बच रहा है, सप्रेस हो रहा है, तो कौन सा पावर सेव हो रहा है? कैरियर का पावर, मतलब PC ये हो रहा है, PC जो है सेव हो रहा है बटे टोटल पावर। तो PC 1 प्लस एम स्क्वायर बटे 2, PC कट गया तो 1 बटे 1, 1 प्लस एम स्क्वायर बटे 2, 100 कर दीजिए। परसेंटेज में निकालना है तो कितना आएगा, इसको कीजिएगा तो 1 बटे 2 प्लस एम स्क्वायर बटे 2, इसको लिखिए तो 2 पर चला जाएगा, 2 प्लस एम स्क्वायर इंटू 100 कर दीजिए, कितना आया? आ गया 2 बटे 2 प्लस एम स्क्वायर इंटू 100, एम का वैल्यू 1 है तो पुट कीजिए 2 बटे 2 प्लस 1 इंटू 100, कितना आ गया? 2 बाई 3 इंटू 100, 33.33 मीन्स
66.67, तो 66 ऑप्शन में है, इतना पावर सेव हो गया, 66% पावर सेव होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर इज नॉट फाउंड इन एफएम, एफएम में कौन सा ऑसिलेटर नहीं फाउंड होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन में किसका यूज किया जाता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है, पीसीएम का। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट बैंड जनरली लाइज इन, किसमें लाइज करता है, VHF में, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसका रेंज होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, और FM का कितना होता है रेंज, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, VHF हो जाएगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 16 है, CDMA रिजेक्ट्स, CDMA क्या रिजेक्ट करता है, नैरो बैंड इंटरफेरेंस को रिजेक्ट करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 का, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर FSK जनरेशन द डेटा पैटर्न विल बी, क्या होगा, RZ NRZ बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, टू अवॉइड एलाइजिंग इफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या लिखें, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जो है ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है, ये होना चाहिए, यही आपका सैम्पलिंग थ्योरम भी कहता है, तो इससे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM होना चाहिए, उससे अगर कम होगा तो एलाइजिंग प्रोड्यूस करेगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, FS ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM, बी हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, CDMA स्टैंड फॉर, CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, 19 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, BPSK सिग्नल कैन बी डीमोडुलेटेड बाय यूजिंग, BPSK सिग्नल को कैसे डीमोडुलेट किया जाता है, लो पास फिल्टर का यूज करके, ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रुप बी का देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन फुल AM इन ब्रीफ, इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय एलाइजिंग एंड इंटरपोलेशन इन सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, व्हाट इज स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन, व्हाट आर इट डिफरेंट टाइप, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेज्ड कोसाइन स्पेक्ट्रम इन डिजिटल मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन SSB एंड VSB, एक्सप्लेन, इसी का और क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, डायरेक्ट सीक्वेंस, स्प्रेड स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन एनी वन मेथड टू डीमोडुलेट FM सिग्नल, इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, एन FM वेव इज गिवन बाय ST दिया हुआ है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड बैंडविड्थ ऑफ FM वेव, यहां से फ्रीक्वेंसी डेविएशन और बैंडविड्थ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर BPSK, एक्सप्लेन, इसी के और क्वेश्चन में पूछा है, एक्सप्लेन सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो इन PCM। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि 6 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट इज सैम्पलिंग थ्योरम, एक्सप्लेन नेचुरल एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, इसी का और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कोहरेंट BPSK, बाइनरी फेज शिफ्ट की। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हाउ इज FM सिग्नल जनरेटेड, इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, पास बैंड ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन SSB एंड VSB, सिंगल साइड बैंड और वेस्टिजियल साइड बैंड के बीच में डिफरेंस को लिखना है। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MOT इज इक्वल टू 10 cos 2π × 10⁻³ इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड विथ ए कैरियर सिग्नल, दिया हुआ है, फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है और पावर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट AM वेव, कितना पावर चाहिए और मॉड्यूलेशन इंडेक्स को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज डेल्टा मॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल, इसी का और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन RZ एंड NRZ लाइन कोडिंग, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज PCM, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होता है, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, एक्सप्लेन। तो ये 7
जून 2022 को जो एग्जाम हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन उसका ये क्वेश्चन पेपर है, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग SBT बिहार का। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।